और ख़ास करके मैं गुरेज नहीं करूँगा, ये सारा का सारा किया धरा जो है वो माननीय मंत्री जी का है, श्री सुरेश भारद्वाज जी, उनकी रहनुमाई में ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई है। प्रदेश के अधिकारियों को चेताना चाहते हैं कि अगर इस तरीके की हरकतें आप करेंगे, इस तरीके से अगर आप जो है वो अपने IAS मैनुअल की धजियां उड़ाएंगे। अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, अभी ये केवल 3 वार्ड के मुतलक आया है या पूरे के पूरे 41 वार्ड के मुतलक आया है, ये चीज़ हमको अभी देखनी है। और अगर ये केवल 3 वार्ड के मुतलक आया है तो आने वाले समय में और वार्ड्स में भी जो इस तरीके की धांधली भाजपा ने करी है उसके खिलाफ हम जो है हाईकोर्ट में आने वाले समय में जाएंगे, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये केवल 3 वार्ड तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने हर वार्ड में अपने लोगों को आगे लाने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली की धज्जियाँ उड़ाई है। और इस प्रकरण के खिलाफ हम जो है ज़मीन स्तर पर जाएंगे, सबसे संपर्क साधेंगे, और जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि इस तरीके की धांधलियाँ हुई है आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, हम इसके खिलाफ जो है वो हाईकोर्ट के अंदर याचिका उन लोगों से दायर करवाएंगे और इसका जो है परिणाम जो है वो जनता के सामने जल्द आएगा। सर क्या लगता है आपको कि जब डिलिमिटेशन की प्रोसेसिंग जब स्टार्ट की थी और तारीख तय अच्छे से बुनेगी, जल्दबाजी जो है वहाँ पर देखने को मिले, और अब हाईकोर्ट से जो है ये आ गया है, जो फैसला है वो भी आ गया, लेकिन अब सरकार है वो बात कर रही है कि आगे सुप्रीम, मंशा क्या लगती है आपको? सर मंशा इसमें यह है केवल कि इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है, और ख़ास करके मैं गुरेज नहीं करूँगा, ये सारा का सारा किया धरा जो है वो माननीय मंत्री जी का है, श्री सुरेश भारद्वाज जी, उनकी रहनुमाई में ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई है, क्योंकि उनको ये चीज़ दिख रही है कि मेरी जो है राजनीतिक विकेट जो है वो जल्दी उड़ने वाली है, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सारा का सारा जो है ये ताना बुना जो है वो डिप्टी कमिश्नर शिमला के साथ बुना है। और मैं गुरेज नहीं कहूँगा करने में कि डिप्टी कमिश्नर अपने मैंडेट जो उनका एक आधिकारिक रूप से मैंडेट है उससे आगे जाकर उन्होंने जो है अपने राजनीतिक आकाओं की इच्छा को जो पूरा करने का ये प्रयास किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम आज फिर से प्रदेश के अधिकारियों को चेताना चाहते हैं कि अगर इस तरीके की हरकतें आप करेंगे, इस तरीके से अगर आप जो है वो अपने IAS मैनुअल की धज्जियाँ उड़ाएंगे और अपने राजनीतिक आकाओं को के कहने के ऊपर अपने रूल बुक से बाहर जाके कार्य करेंगे, ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमने पहले भी कहा है जब हमारी सरकार बनेगी एक प्रॉपर इंक्वायरी ऐसे अफसरों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी जो है अपने मैंडेट से आगे बढ़कर जो है इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट कन्फाइंड टू वन डिस्ट्रिक्ट, बहुत से ऐसे अधिकारी सेक्रेटेरिएट के अंदर भी है जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपने राजनीतिक अकाउंट को के गुड बुक्स में रहने के लिए ऐसे करने में कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के हितों में नहीं है।